पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक बड़े ही जबरदस्त फिल्म मेकर की, जिसने अपनी फिल्मों में बड़ी हैरत अंगेज चीजें सामने रखी जो कभी लगती थी बड़ी अटपटी, पर पब्लिक ने इन्हें हाथों हाथ लिया। नाम है इनका मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई साहब का जन्म हुआ 26 फरवरी सन 1937 में। ये दरअसल गुजराती थे। इनके पिता कीकू भाई देसाई एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। उस जमाने में कीकू भाई देसाई पैरामाउंट स्टूडियोज के मालिक थे, तकरीबन सन 1931 से लेकर सन 1941 तक। इन्होंने ज्यादातर स्टंट फिल्में ही बनाई, सर्कस क्वीन, गोल्डन गैंग, शेख चिल्ली वगैरह वगैरह। लेकिन मनमोहन देसाई जब मात्र 4 बरस के ही थे, तब इनके पिता का इंतकाल हो गया। ऐसा बताया गया कि इनके ऊपर कर्जे का बहुत दबाव था, बहुत सारी फिल्में चल रही थीं और इन्होंने मार्केट से बहुत पैसा उठा लिया था। सूद पे सूद बढ़ता जा रहा था और इसका तनाव कीकू भाई देसाई सहन ना कर सके। इनके पिता की मौत के बाद इनकी मां ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। वो परिवार जिसके नाम की तूती बोला करती थी, अब सड़कों पर आ गया था। इनकी मां ने सारी प्रॉपर्टी बेची और कीकू भाई देसाई के एक छोटे से ऑफिस में अपना घर बसा लिया। ये इलाका था मुंबई का खेतवाड़ी इलाका। मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई भी फिल्मों से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने ही स्टंट फिल्मों के लिए मनमोहन देसाई का नाम रिकमेंड करा और कहा कि इसे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया जाए। मनमोहन देसाई ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काफी बरस काम किया और उसके बाद इनके भाई सुभाष देसाई ने कहा कि बता मन, तूने फिल्म कौन सी बनानी है, कौन हीरो चाहिए, कुछ तो सोच। मनमोहन देसाई साहब ने कहा, देखिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इसलिए बना हूँ ताकि आगे जाकर फिल्म डायरेक्टर बन सकूँ। अगर आपने ये सवाल पूछा है तो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे हीरो हों राज कपूर और हीरोइन हों नूतन। राज कपूर साहब को जब ये बात बताई गई तो राज साहब ने कहा, क्या बात कर रहे हो, 20-21 साल का लड़का है मनमोहन, ये कैसे फिल्म बना पाएगा। ए, क्या हुआ? तब सुभाष देसाई साहब ने कहा था कि राज साहब, जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तब आप भी तो 20-21 साल के ही थे, जब आप ये काम कर सकते हैं तो मेरा छोटा भाई क्यों नहीं। राज कपूर को ये बात बहुत पसंद आई, पर एक शर्त रखी गई, अगर मनमोहन देसाई ने फिल्म छलिया का गाना सही तरीके से डायरेक्ट किया और राज कपूर को पसंद आया तभी वो फिल्म पूरी करेंगे, यदि नहीं तो राज कपूर साहब वो फिल्म छोड़ देंगे और किसी और हीरो को लिया जाएगा। पर मनमोहन देसाई साहब ने छलिया में जी जान लगा दी। राज कपूर पे फिल्माया गाना डम डम डिगा डिगा सुपरहिट साबित हुआ। कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत था और राज कपूर और नूतन की जोड़ी सभी को भाई। देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। हालांकि उसके बाद भी मनमोहन देसाई के पास बहुत काम नहीं था। इसी बीच इन्हें प्रेम हो गया जीवन प्रभा से, इनसे शादी हुई और इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा गया केतन। मनमोहन देसाई के संघर्ष के दिनों में इनकी बीवी जीवन प्रभा इनसे कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम फिल्में लिखते रहो, एक ना एक दिन फिल्में जरूर हिट होगी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। लड़का बहुत होशियार है, बदतमीज, धर्मवीर, देश प्रेमी, आ गले लग जा, ये तमाम फिल्में सुपर हिट साबित हुई। शमी कपूर साहब के साथ फिल्म ब्लफ मास्टर ने तो कमाल ही कर दिया था। जब तुम्हारे पिताजी को ये मालूम हो जाएगा कि बजाय तुम्हारे मैं वहाँ हूँ तो क्या होगा जानते हो? बीच में समुंदर नहीं पड़ता बेटा, तुम यहाँ आ जाना मैं वहाँ चला जाऊंगा, कह देंगे हल्का सा मजाक किया था, दो चार जूते खा लेंगे। पर जूते एक के बाद एक फिल्में बनाने के बाद मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जो फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बदल के रख दे, और तब फिल्म बनी अमर अकबर एंथनी। बात दरअसल यूं रही कि अखबार में एक खबर आई थी कि एक आदमी जो कि शराबी था, उसने अपने तीनों बच्चों को सड़क के किनारे छोड़ दिया था। इस खबर से मुतासर होकर मनमोहन देसाई ने फिल्म बनाई अमर अकबर एंथनी, जिसमें मजबूरी में प्राण साहब अपने बच्चों को एक पार्क में छोड़ देते हैं। मनमोहन देसाई ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाई तो कलर फिल्में भी खूब चली। मनमोहन देसाई को अपनी फिल्मों के गानों से बेहद मोहब्बत थी। एक मर्तबा हुआ यूं कि ये थिएटर में थे, अपनी फिल्म देख रहे थे, गाने चल रहे थे और एक आदमी उठ के जाने लगा। मनमोहन देसाई साहब ने उससे कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि साहब मुझे बाथरूम जाना है। मनमोहन देसाई ने कहा अभी नहीं जा सकते, अभी तो आपको ये गाना देखना होगा, गाना छोड़ के कैसे जा सकते हो। वो आदमी जरा बिगड़ गया। तब थिएटर के मैनेजर ने कहा कि देसाई साहब हम किसी को रोक नहीं सकते, उसे तो जाना ही होगा। इस हादसे के बाद मनमोहन देसाई ने थिएटर में अपनी फिल्में देखना बंद कर दिया। मनमोहन देसाई ने बुलंदियां छू ली थी
अपना एक बड़ा एम्पायर बना लिया था और तभी इनके जीवन में वो त्रासदी घटी जिसकी ये उम्मीद ना कर रहे थे। अप्रैल सन 1979 में इनकी जीवन संगनी जीवन प्रभा देसाई ये दुनिया छोड़ चल बसी। इनके बेटे केतन देसाई का विवाह हुआ शमी कपूर साहब और गीता बाली जी की बेटी कंचन से। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद मनमोहन देसाई बड़े अकेले हो गए थे। इनका बेटा केतन इनसे कहता कि याद रखिए पापा, आपकी फिल्मों में सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से भी बेहतर होता है, तो जीवन में भी वैसा ही होना चाहिए। मनमोहन देसाई फिल्में बनाते रहे, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, ये सभी मल्टी स्टारर थी। कुली के सेट्स पर अमिताभ बच्चन साहब को चोट लगी। मनमोहन देसाई साहब बड़े चिंतित रहे, पर इंतजार किया कि जब बच्चन साहब एकदम सही सलामत वापस आ जाएं, फिर फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होगी। जवाब नहीं तेरा प्यारे, शुरुआत अच्छी की तूने। अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन साहब ने एक शराबी का सीन किया था। उस सीन को देखने के बाद मनमोहन देसाई ने यह वादा किया बच्चन साहब से कि जब तक मैं फिल्में बनाता रहूंगा तुम मेरी फिल्म के हीरो रहोगे। अरे बोलने दो यार, तेरे चमचा बोलते ना, किसी के बाप का तो नहीं। जितेंद्र साहब रहे कि धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब रहे कि शशि कपूर साहब, सभी सुपरस्टार्स के साथ मनमोहन देसाई ने बड़ी सफल फिल्में बनाई। हीरोइंस में सायरा बानो जी, नूतन जी, साधना जी, इवन शर्मिला टैगोर जी के साथ भी इन्होंने बहुत सी सफल फिल्में दी। रनिंग कैमरा। सही मायनों में देखा जाए तो फिल्म सच्चा झूठा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसके हीरो थे राजेश खन्ना साहब। देखना तेरा और मेरा रिश्ता एक मुजरिम और गवाह का, जो कभी अलग नहीं हो सकता, और जो वकील ये नहीं जानता वो मुकदमा क्या खाक लड़ेगा। मसाला फिल्मों का मसीहा माना गया इन्हें, लेकिन इनकी फिल्मों में इमोशंस भी भरपूर हुआ करते थे। हैरानी की बात यह है कि मनमोहन देसाई साहब के पिता मात्र 39 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसे थे। इनकी बीवी भी कम उम्र में ही ये दुनिया छोड़ गई थी, और कोई नहीं जानता था कि मनमोहन देसाई भी बहुत जल्द ये दुनिया छोड़ देंगे। दरअसल ये पीठ दर्द से बहुत परेशान थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी पीठ का दर्द दूर क्यों नहीं हो रहा। इसी बीच मशहूर मारुफ हीरोइन नंदा जी से ये प्यार करने लगे। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि अक्सर गाड़ी साइड में लगाकर नंदा जी के पोस्टर्स ये देखा करते थे। और तब वहीदा रहमान जी ने नंदा और मनमोहन देसाई की मुलाकात करवाई और कहा ये अगर शादी करनी है तो करो, जाइए ना, हम खतरे हैं। मनमोहन देसाई साहब इनके जीवन में एक उम्मीद की किरण बनकर आए थे। इनकी एंगेजमेंट भी हुई और सभी को लगा कि नंदा जी का घर बस जाएगा, मनमोहन देसाई साहब के जीवन में फिर से बाहर आ जाएगी। पर एक मार्च सन 1994 वो तारीख बनकर आई जब मनमोहन देसाई अपने घर की बालकनी से स्लिप हुए, गिरे और उनकी मौत हो गई। नंदा जी ता उम्र कुमारी रहीं। जाना आपका काम है और इंतजार करना मेरा, मैं तो करूंगी। पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मनमोहन देसाई जैसा एंटरटेनर ना कोई था और ना ही कोई और होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।